फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके कमेंट आते हैं कि उनकी जो पोस्ट है वो इंडेक्स नहीं हो रही है। तो मैंने उन सब को एक बात बोली थी कि आप अपनी साइट को गूगल न्यूज़ में एक बार सबमिट कर दीजिए, उससे इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। किसी किसी की जो पोस्ट होती है वो या तो इंडेक्स ही नहीं हो रही है, और अगर इंडेक्स भी हो रही है तो वो 3-4 दिन का टाइम लगा लेती है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी साइट को गूगल न्यूज़ में सबमिट करेंगे तो आपका जो साइट है वो बहुत जल्दी इंडेक्स हो जाएगा। इसका दूसरा फायदा ये भी है कि अगर आपका जो साइट है वो गूगल न्यूज़ में इंडेक्स हो जाता है और वहाँ पे आपके आर्टिकल शो होने लग जाते हैं, तो आपके ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको गूगल न्यूज़ में अपनी साइट को सबमिट करना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे डालना है गूगल पब्लिशर सेंटर। जो सबसे पहला लिंक दिखेगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपने जो साइट है उसका URL डालना है। तो मेरे पास जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैंने जो एक ब्लॉगर पे डेमो वेबसाइट बना रखी थी मैं उसी से आज आपको ये गूगल न्यूज़ में आपको अपना साइट सबमिट करके दिखाऊंगी। तो ये मेरा जो URL है, यहाँ से आपको अपना URL कॉपी करना है, और URL कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं योर पब्लिकेशन URL में आपको अपना जो वेबसाइट का URL है वो यहाँ पे पेस्ट करना है, और फिर उसके बाद एड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने पब्लिकेशन का नाम डालना है, यानी कि जो आपकी वेबसाइट का नाम है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम, जो मेरा डेमो वेबसाइट है, उसको मैंने लर्न ब्लॉगिंग बनाया था, तो मैंने यहाँ पे लर्न ब्लॉगिंग लिख दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है, आप किस लोकेशन में है, तो यहाँ पे हमें अभी इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको इस वाले चेकबॉक्स पे चेक करना है और फिर एड पब्लिकेशन पे क्लिक करना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लर्न ब्लॉगिंग के नाम से ये जो मेरा URL है वो एड हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, और जो आपकी साइट का नाम है उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सबसे पहले अपना जो लर्न ब्लॉगिंग पब्लिकेशन नेम है वो आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्राइमरी लैंग्वेज लिखना है, जो भी आपकी साइट का लैंग्वेज है वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको चूज करना है। तो मेरे केस में ये हिंदी लैंग्वेज है, तो मैंने यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लिया। आपका जो लैंग्वेज होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लोकेशन में इंडिया सेलेक्टेड दिखेगा, तो आप इंडिया रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आपको नीचे और स्क्रॉल करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपने अपना जो प्रॉपर्टी है वो सर्च कंसोल में वेरीफाई कर रखा होगा तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वेरीफाइड दिख रहा है आपको। अगर आपने ये URL ऑलरेडी वेरीफाई नहीं किया होगा अपने सर्च कंसोल में, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे मेरा नीचे आ चुका है यहाँ पे वेरीफाइड। वेरीफाइड होने के बाद नीचे और कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल URLs हैं, यानी कि अगर आपके पास कुछ सब डोमेन्स आप जो है आप यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। इसके बाद नीचे आप देखेंगे कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट में ईमेल आईडी डाल सकते हैं, तो मैं अभी अपना ईमेल आईडी डाल देती हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पे मेल आईडी डाल दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज और प्रोडक्ट अपडेट्स पे चेक करना है, और उसके बाद एड पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको अनवेरीफाइड शो कर रहा होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है अपनी मेल आईडी पर, मेल आईडी एक बार रिफ्रेश करना है। ये कम से कम आपको 3 से 5 मिनट लगेंगे इस मेल को आने में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मेल्स आ चुकी हैं, एक तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपडेट्स का है और एक टेक्निकल इश्यूज का है। तो हमें दोनों मेल्स को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे या तो क्लिक हियर पे क्लिक करना है या फिर ये जो आपको लिंक दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे यस साइन मी अप का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यू आर साइंड अप का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद एक और जो मेल है हमें उसको भी वेरीफाई करना है, तो इसके लिए भी हमें क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा और सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पे फिर से हमें क्लिक करना है। तो ये दोनों जो हमारी मेल्स हैं वो वेरीफाई हो चुकी है। वेरीफाई होने के बाद हम वापस से यहाँ पे आते हैं और एक बार इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अनवेरीफाइड का जो ऑप्शन है वो यहाँ से हट चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, पब्लिकेशन सेटिंग्स के बाद आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। इस पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा। नाम आप यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी सेव्ड है, इसे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप चाहें तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर सकते हैं, हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है। आप चाहें तो जो आपके पास अगर और हो तो आप ऐड कर सकते हैं। यूजर परमिशन में आना है आपको। यूजर परमिशन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे।
हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम आ रहा है तो हमें इसे सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे इस ऑनर पे सिलेक्ट करना है और फिर ऐड बटन पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे आपका ऐड हो चुका होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। आपकी यहाँ पे अब तक की सारी सेटिंग्स जो है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो ऑप्शन दिखेगा यहाँ से आपको चले जाना है अपने गूगल न्यूज ऑप्शन पे। इसके बाद आपको यहाँ पे गूगल न्यूज को एडिट करना है। एडिट ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले अपने देखिए यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जनरल में, वो आपका यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे देखेंगे पब्लिकेशन कैटेगरी, तो आपका ब्लॉग जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है आप वहाँ पे ये वाली कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो कंट्रीज में आपको यहाँ पे वर्ल्ड वाइड रहने देना है, और नीचे आएंगे तो गूगल प्रॉपर्टीज में आपको अलाउ ऑल प्रॉपर्टीज पे चेक रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे सेव बटन आता है, मैंने ये ऑलरेडी सेव कर दिया है। आपको यहाँ पे सेव बटन पे सेव कर देना है इसको। हर वो चीज जो भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो आपको यहाँ पे सेव करते जाना है। इसके बाद कंटेंट सेटिंग में आएंगे। कंटेंट सेटिंग में आने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सेक्शंस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू सेक्शन ऐड करना है। आप सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं फीड ऑप्शन है, यहाँ पे आपको फीड ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सेक्शन टाइटल में आपको सबसे पहले अपना जो ब्लॉग है उसका नाम देना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना आरएसएस फीड एंटर करना है। जिन लोगों की साइट वर्डप्रेस पर है वो लोग अपना आरएसएस फीड देखने के लिए क्या कर सकते हैं, अपना जो उनका साइट का यूआरएल है उस यूआरएल के आपको यहाँ पे क्लिक करना है आगे में। उसके बाद आपको लास्ट पे आ जाना है और यहाँ पे आपको स्लैश लगाना है और उसके बाद आपको टाइप करना है फीड। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। ये वाला जो यूआरएल अब आएगा ये आपका आरएसएस फीड यूआरएल है। आप इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको वो वाला यूआरएल डालना पड़ता है। जिन लोगों की वेबसाइट ब्लॉगर पर है उन लोगों को अपना आरएसएस फीड देखने के लिए क्या करना होता है, उनको भी सेम यही प्रोसेस करना है। यहाँ पे उनका जो यूआरएल है यूआरएल में आपको लास्ट में आ जाना है और आपको स्लैश लगाना है। इसके बाद आपको एक छोटा सा कोड टाइप करना है, यहाँ पे फीड स्लैश पोस्ट स्लैश डिफॉल्ट ALT=RSS। ये वाला जो कोड है ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इस वाले कोड को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको ये जो लिंक मिलेगा इस वाले लिंक को आपको कॉपी करना है और जाना है अपने पब्लिशर सेंटर में और यहाँ पे आपको उस URL को पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको एनीवन ही रहने देना है और फिर आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे सेव कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आना है रिव्यू एंड पब्लिश पे। रिव्यू एंड पब्लिश सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कंटेंट और विजुअल स्टाइल ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिसिंग स्क्वायर लोगो है और वन एम्प्टी सेक्शन है, तो हम वन बाय वन करके इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे। रिफ्रेश बटन पे बार बार क्लिक करने से ये वाला जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो ऊपर वाला रिव्यू ऑप्शन है यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद जो एक कंटेंट का जो रिव्यू पे आ रहा था वो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो अपने आप ही यहाँ पे जितने भी मेरे पोस्ट है वो देखने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे पोस्ट मेरे विजुअल हो गए हैं। यहाँ पे सारे के सारे पोस्ट जो है वो लाइव हो चुके हैं, वो दिखने शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल्स पे जाके क्लिक करके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स थे वो सब के सब यहाँ पे शो होने लगे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आर्टिकल थे मेरे ब्लॉग पे, तो ये सारे के सारे जो 8 आर्टिकल हैं वो वहाँ पे शो होने शुरू हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे का सारा प्रोसेस कैसे करना है। इसके बाद जो नीचे विजुअल स्टाइल वाला ऑप्शन है यहाँ पे अब नेक्स्ट रिव्यू करेंगे हम, तो हमें रिव्यू पे क्लिक करना है। जब आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्वायर लोगो ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ऊपर में आप इसका जो फाइल सपोर्टिंग है वो देख सकते हैं। यहाँ पे रिकमेंडेड आपको PNG और सपोर्टेड यहाँ पे JPG शो करेगा। और नीचे डायमेंशन में आपको 1000x1000 पिक्सल और रिक्वायर्ड जो है वो 512x512 का ऑप्शन आएगा। तो मैंने ऑलरेडी जो मेरी मेन वेबसाइट है यूथ इन्फो हिंदी उस पे मैंने ऑलरेडी जो लोगो है वो अपलोड किया हुआ था, तो मैं उसी लोगो को आपको यहाँ पे जस्ट एक ट्रायल के लिए वो अपलोड करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं इस एड स्क्वायर लोगो पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मेरा ये डेस्कटॉप पे लोगो मैंने रख रखा है, यहाँ से मैं इसको पिक करूंगी और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये अपलोडिंग शो हो रहा है। कुछ सेकंड्स में ये अपलोड हो जाता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो स्क्वायर लोगो है वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद अब जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर लोगो डालना पड़ता है। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको एड लाइट थीम रेक्टेंगुलर लोगो का ऑप्शन आएगा और नीचे डार्क का ऑप्शन आता है। तो आप चाहे तो इसके लिए डार्क वाले के लिए जो लोगो का बैक साइड है जो लोगो का बैकग्राउंड होता है उसको डार्क कर सकते हैं, या फिर चाहे तो लाइट थीम को ही दोनों जगह यूज कर सकते हैं। तो मैंने लाइट वाला एक बनाया हुआ है लोगो, तो मैं दोनों लाइट वाले लोगो को ही दोनों जगह पे यूज करूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप तो सिर्फ एक भी रख सकते हैं, चाहे तो दोनों जगह पे अपलोड कर सकते हैं। मैंने एक अपलोड कर दिया और यहीं पर अपना दूसरा वाला भी अपलोड कर दूंगी। सेम वाला ही मेरे पास लाइट वाला ही है, तो मैंने दोनों जगह लाइट वाला ही अपलोड कर दिया। ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे बैकग्राउंड में डार्क कलर ले लेता है। ये लोगोज ऐड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी सारी की सारी सेटिंग्स वो सेव हो चुकी है। वापस से हम जाते हैं यहाँ पे गूगल न्यूज ऑप्शन पे।
फिर से आपको एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ से आप सारी की सारी सेटिंग्स फिर से देख लीजिए और वापस से आपको यहाँ पर रिव्यू एंड पब्लिश सेंटर में आना है और आप यहाँ पे देखेंगे ये जो अभी भी रिव्यू बटन है ये यहाँ आपको दिखेगा। फिर से हमें रिव्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको अपना टाइटल डाल देना है। यहाँ पर टाइटल डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये जो ब्लॉग का नाम है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे चेकबॉक्स पे चेक कर देना है और फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो पब्लिश बटन है वो एनेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपके सामने एक पॉपअप आ चुका है कि आपका ये जो ब्लॉग है वो रिव्यू में चला गया है। थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर पब्लिकेशन टू गूगल न्यूज, यू विल गेट एन ईमेल अबाउट नेक्स्ट स्टेप इन अबाउट अ वीक। इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो वेबसाइट है वो रिव्यू के लिए जा चुकी है और एक वीक के अंदर आपको मेल आ जाएगा कि ये वाला जो आपका साइट है वो लाइव हुआ है या नहीं हुआ है, गूगल न्यूज ने उसे एक्सेप्ट किया है या नहीं। ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको इन रिव्यू शो करेगा और जब ये लाइव हो जाता है तो आपको यहाँ पे लाइव शो करेगा। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से अपने वेबसाइट को गूगल न्यूज के अंदर सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद अगर गूगल न्यूज ने उसे अप्रूव कर दिया और आपके कंटेंट में दम हुआ, आपका कंटेंट अच्छा हुआ, तो फिर वो गूगल न्यूज के डिस्कवर में शो करता है और उसके बाद आपको वहां से बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक आने के चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इससे आपकी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। जिन जिन लोगों को पोस्ट लिखने के बाद इंडेक्सिंग में इश्यू आ रहा है उन सबकी इंडेक्सिंग प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना होगा आपको कि आपको कंटिन्यू पोस्ट लिखने हैं। अगर आपने डिसकंटिन्यू किया, आपने बीच में आर्टिकल्स नहीं लिखे या कुछ भी ऐसा वैसा आपने डिसकंटिन्यूशन दिखाई तो गूगल न्यूज क्या करेगा, आपकी जो वेबसाइट जो आपने यहाँ पे डाला है उसको इनएक्टिव कर देगा, यानी कि नॉट लाइव लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देती हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी साइट है यूथ इन्फो हिंदी, ये लाइव था, मेरा सारा का सारा पोस्ट यहाँ पे शो होता था और मुझे वहाँ से ट्रैफिक भी आता था। लेकिन जैसे अभी आप लोगों को शायद पता होगा कि मेरे फादर लास्ट मंथ एक्सपायर हो गए थे तो मैंने अभी बीच में पोस्ट डालने बंद कर दिए थे। एक महीना से ऊपर हो गया है मैंने कोई पोस्ट साइट पर डाला नहीं था, इसलिए मेरा ये जो गूगल न्यूज का ऑप्शन है वो डिसेबल हो गया है, यानी कि बंद हो चुका है, ये नॉट लाइव है अभी। तो मैंने दोबारा से इसको रिव्यू के लिए डाला है, मैंने फिर से दो तीन पोस्ट डाले हैं, मैं देखती हूँ ये लाइव होता है या नहीं। मैंने क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू पोस्ट डालूंगी तब जाके शायद ये फिर से लाइव हो जाए। तो आपको भी यही करना है, आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, आपको रेगुलरली पोस्ट डालने हैं अपनी साइट पर, अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करना है, तब जाके आपको ट्रैफिक आएंगे, अदरवाइज आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और गूगल न्यूज में आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करना अच्छे से सीख गए होंगे। वैसे तो मैंने हर चीज इसमें स्टेप बाय स्टेप क्लियरली आपको दिखाई है, फिर भी अगर आपको कोई इश्यूज रहते हैं, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स का आंसर नॉर्मली कर देती हूँ। कोई कोई ही ऐसे कमेंट्स होते हैं जो मुझे छूट जाते हैं, अदरवाइज अगर मेरे पास नोटिफिकेशन आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फटाफट से सारे के सारे जो कमेंट्स होते हैं उनको रिप्लाई कर दूं, तो मैं सारे के सारे कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम पर भी, वहां पर भी मैंने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, तो आप मुझसे वहां पे भी जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।